तो आज मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। इस मूवी में हमें एक नए कैरेक्टर बॉनी से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि एक क्यूट यंग गर्ल है और उसके पास हमें मोस्टली फीमेल टॉयज देखने को मिले। और उन्हीं टॉयज में से एक टॉय का नेम था ट्रिक्सी, जो कि एक फीमेल डायनासोर है। और ट्रिक्सी एंड ट्रैक्स दोनों ही सेम सीरीज के कैरेक्टर्स हैं। और बॉनी के टॉयज में ही हमें एक टॉय टोटोरा नाम का देखने को भी मिला, जो कि एक कैरेक्टर था 1988 में आई जैपनीज एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म माई नेबर टोटोरो में। मूवी में बॉनी के टॉयज में ही एक और टॉय देखने को मिला, जो कि एक मटर अपने छिलके के साथ है। असल में ये टॉय इंस्पायर था 1970 में आए वेजिमल्स से। असल में वेजिमल्स स्टफ टॉयज थे, जो कि रिसेंबल करते थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक फेस के साथ, और इस टाइप के टॉयज को फ्री माउंटेन टॉयज बनाती थी। मूवी में एक सीन में बार्बी केन को ब्लैकमेल कर रही होती है उसकी कपड़ों का कलेक्शन फाड़ के, और तभी एंड में वो नेहरू जैकेट फाड़ने ही वाली होती है कि तभी केन उसे सब कुछ बता देता है। असल में ये नेहरू जैकेट मशहूर हुई थी 1967 में आई एक जेम्स बॉन्ड मूवी यू लिव ओनली ट्वाइस के कारण, जब मशहूर जेम्स बॉन्ड विलन अंश स्टाफरू ब्लूफेंड ने इस जैकेट को पहना था। और इस वजह से बार्बी पूछती भी है कि क्या ये 1967 से है। टॉय स्टोरी 3 तक पिक्सर के एनिमेटर्स ने फॉर और वाटर को बहुत ही अच्छी तरह एनिमेट करना सीख लिया था, और उन्हें इसको एनिमेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन तब भी पिक्सर के एनिमेटर्स को एक ट्रैशबैग को एनिमेट करने में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि पिक्सर के अकॉर्डिंग ट्रैशबैग में स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना और उसकी सरफेस की बनावट। इसी वजह से पिक्सर के एनिमेटर्स को ट्रैशबैग को करेक्टली एनिमेट करने में हफ्तों लग गए। इस मूवी में बो पीप के कैरेक्टर को शामिल नहीं किया गया, और वूडी ने एक सीन में बताया भी था कि बो पीप अब नए मालिक के पास है। फिर भी मैं बो पीप के कैरेक्टर का कैमियो मूवी की शुरुआत में ओल्ड वीडियोस में देखने को मिला। इस मूवी में हमें मैकडॉनल्ड्स का कैमियो देखने को मिला, जब एंडी के टॉयज डे केयर सेंटर में वहाँ के टॉयज से मिल रही होती हैं, तब वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के 3 मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स बर्गर फ्राइज एंड ड्रिंक्स देखने को मिले। इस मूवी के मेन विलन लॉर्ड सुगर रेफरेंस हमें टॉय स्टोरी की पहली मूवी में देखने को मिल गया था, जब पहली टॉय स्टोरी मूवी में टॉयज की एक स्टाफ मीटिंग हो रही होती है, तब हमें शेल्फ में एक पिंक स्टफ बियर देखने को मिलता है। और तो और टॉय स्टोरी के मेकर्स लॉर्ड सुगर को टॉय स्टोरी की पहली मूवी में शामिल करने वाले थे, लेकिन कुछ राइट्स मिलने की वजह से वो इस प्यारे से पिंक स्टफ बियर को पहली मूवी में शामिल नहीं कर पाए। और लॉर्ड सुगर का रेफरेंस हमें पिक्सर की ही मूवीज कार्स एंड अप में भी देखने को मिल चुका है।